अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत सेहत ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देख लें, अभी तकरीबन आज डेट है मई की, आज तकरीबन 8 तारीख है और गर्मी की शिद्दत आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गर्मी कितने, 2-3 रोज़ से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत ज़्यादा है, आदमी की से दूर है, उसके बावजूद के बिल्स हैं आपको पता है बहुत ज़्यादा बिल्स होते हैं, यूनिट होता है तकरीबन 7 से 8 डॉलर पे पड़ता है। तो ऐसी सूरत में आप ऐसा इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा खर्चा कर लें, तकरीबन आप 8 पैनल ले लेते हैं, तकरीबन 8 पैनल आजकल बनेंगे तकरीबन तकरीबन 20,000 रुपया, जो सबसे अच्छा पैनल है ग्रेड ए का पैनल 18 से 20 हज़ार रुपये में वो मिल जाता है। वो आप 8 पैनल ले लें, एक इन्वर्टर ले लें, तकरीबन 30,000 रुपये का वो मिल जाएगा और बाकी आपका वायरिंग का खर्चा वगैरह है थोड़ा बहुत, और साथ वो पैनल्स के स्टैंड वगैरह है वो ले लें, आप तकरीबन 2 लाख के करीब, तकरीबन 2 लाख से कम ही खर्चा आएगा। आप 8 पैनल, स्टैंड, तार और बाकी रहेगी मजदूरी, तकरीबन 3,000-3,500 रुपया फिटिंग वाले लेते हैं। आप ले लें, यकीन करो पूरी गर्मियां सुकून से आप गुजारेंगे। आप उस पे एक एसी, फ्रिज और पानी वाली मोटर और 6-7 लाइटें और 6-7 पंखे वगैरह इजी आप चला सकते हैं और इस्त्री वगैरह भी चल जाएगी। अगर आप एट ए टाइम पूरा लोड चलाना चाहते हैं तो आप 2 पैनल आपको और ज़्यादा लेने पड़ेंगे, वरना 8 पैनल पे पूरा घर इजी चलता है, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ हर वक्त पानी वाला पंप चलता हो। उसमें लाजमी वो 10 मिनट के लिए चलेगा या 15 मिनट के लिए चलेगा, उसके बाद फिर वो समझ लो कि ऑटो बंद ही हो जाएगा, आपको बंद करना पड़ जाएगा। ये देख लें सामने, ये इन्वर्टर है तकरीबन 30,000 रुपये का, ये मिल जाएगा आपको। और इस वक्त जो लोड चल रहा है ना जी, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त जो लोड चल रहा है वो तकरीबन 8.3 एम्पेयर चल रहा है, 8.3 एम्पेयर लोड जो है ना ये चल रहा है, ये देख लें 8.3 एम्पेयर लोड चल रहा है। और इस पे एक एसी 1.5 टन का वो भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रही है, 3, 4, 5, 6 पंखे हैं वो भी इजीली चल रहे हैं, पानी वाली मोटर भी चल जाएगी, लेकिन फिलहाल वो बंद पड़ी है क्योंकि अगर टैंक की अभी फिल करनी है तो वो पानी, जाहिर है गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर का, वो गर्म हो जाएगा, उसकी ज़रूरत अब नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर हम चला लेंगे। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप एक बार, सिर्फ थोड़ा सा मसला है, एक बार थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर लें। आज सोलर पैनल के रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो कोई दौर था को जितने का अब ये पैनल मिल रहा है ना, इतने का पैनल जो है वो ही मिल रहा था, जो 150 वाट का पैनल था, वो भी लोकल को में। अब आप उसी रेट का जो था, 150 वाट वाला जो पैनल था, रेट पे आप ए ग्रेड का मिल रहा है, वो आप लें और सर सिस्टम इंस्टॉल करें और गर्मियों में सर्दियों के मज़े लें, एसी चलाएं, आप भी खुश रहें, गर्मी से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। ये लाजमी सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, इंशाल्लाह पूरी गर्मियां आप सुकून से गुजरेंगे। और जो इस बार बिल आने हैं ना जी, बिल, बस बिल आपके जो पैसे अब लगेंगे ना इंस्टॉलमेंट में, वो तकरीबन इसी गर्मियों में आपके पैसे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये देख लें, फ्रिज भी चल रही है, सारा सिस्टम चल रहा है। अब आपको मैं एसी दिखाता हूँ जो चल रहा है, ये देख लें, ये एसी चल रहा है, ये देखें सामने, ये 1.5 टन का एसी है, तो देखें वो देखें 20 पे मैंने रखा हुआ है, ये देखें, ये एसी चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, सोएं, मज़े लें, गर्मियों में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप एक बार पैसा खर्च कर लें, इंशाल्लाह आपकी पूरी गर्मियां सुकून से गुजरेंगी। और सर्दियों में तो बिजली वैसे फ्री हो जाती है, समझ लो जो सोलर है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, तो
पहले और था कि जब गर्मियां आती थी तो सोलर पैनल के रेट आसमान पे चले जाते थे। अब गर्मियां पे सोलर रेट के जो रेट्स हैं, सोलर पैनल के जो रेट्स हैं, वो ज़मीन बोस हो गए हैं। अभी वक्त है आप सोलर पैनल खरीदें और गर्मी से बचें। तो ये लाजमी इंस्टॉलमेंट लाजमी करवाएं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और एक ही सीज़न में जो है ना आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। सोएं यकीन करो, ये लाजमी ख़रीदें। अब वक्त है सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं, चाहे जिस कंपनी के भी आप ख़रीदें, लाजमी ख़रीदें। गर्मियां सुकून से गुजारें। इस बार गर्मी का जो टेम्परेचर बता रहे हैं, तकरीबन 50 के करीब जो माहरीन हैं वो बता रहे हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आप लाजमी सोलर पैनल ख़रीदें और सकूँ अपनी गर्मी सर्दियों जैसी। अल्लाह।